लखीमपुर खीरी हत्याकांड का हत्यारा अजय टैनी मोदी के बराबर में बैठा है। महिलाओं के साथ दुराचार करने वाला सांसद मोदी की बराबर में बैठा है। मोदी जी 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में भेज देंगे, उस दिन हम भी अपमान लेंगे। जिस दिन तुम्हारे बच्चों को 2 करोड़ हर साल रोजगार मिल जाएंगे, हम भी मान लेंगे। जिस दिन किसान को की आय दुगनी हो जाएगी, हम भी मान लेंगे। अगर 3 काले कानून नहीं आते तो देश का किसान सड़कों पर नहीं आता, और देश का किसान सड़कों पर नहीं आता तो 750 किसानों की शहादत नहीं होती। जब नरेंद्र मोदी से पूछा कि 750 किसानों की शहादत होगी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या वो मेरे लिए मरे हैं? MSP पे गारंटी के कानून के लिए सरकार लिखित में दे करके मुकर गई। 750 किसानों की शहादत को भारत सरकार भूल गई। किसानों पर हुए 55,000 मुकदमे जो इस किसान आंदोलन में थे, वो वापस नहीं लिए। एक सरकार के खिलाफ है लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, तो हम लोग देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की जहां भी लड़ाई होगी वहां सबको जाना चाहिए। तो मैं भी आया। 13 फरवरी देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तादाद गिनती जब है, यहाँ आएंगे जब गिन लेना, ये शायद उससे बड़ा हो जाए, उससे ही बड़ा। हाँ, क्योंकि इस आंदोलन में देश का किसान भी आएगा, देश का मजदूर भी आएगा, और इसमें देश का कर्मचारी भी आएगा, महिला भी आएंगी, छोटा व्यापारी भी आएगा, सब आएंगे। अब देश की हर समस्या का एक ही समाधान, किसान आंदोलन। जब देश भारत सरकार लिखित में दे करके नाट जाए तो फिर आंदोलन ही बचता है, क्योंकि इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। MSP पे गारंटी के कानून के लिए सरकार लिखित में दे करके मुकर गई। 750 किसानों की शहादत को भारत सरकार भूल गई। किसानों पर हुए 55,000 मुकदमे जो इस किसान आंदोलन में थे, वो वापस नहीं लिए। लखीमपुर खीरी हत्याकांड का हत्यारा अजय टैनी मोदी के बराबर में बैठा है। महिलाओं के साथ दुराचार करने वाला सांसद मोदी की बराबर में बैठा है, तो कौन लड़ेगा भाई? ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन इस बार किसान आर पार के मूड में आ रहा। आंदोलन, यही शब्द जब पिछली बार थे तब भी कहते थे कि सरकार नहीं मानी तो क्या होगा। हमने भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। ये तो सरकार बताएगी कि वो कितने दिन में बात किसानों की मान सकती। पहली मांग है किसान कि MSP पे गारंटी का कानून, भारत को WTO से बाहर करना, किसानों की कर्ज माफी। जब देश के उद्योगपतियों की हो सकती है तो किसान और मजदूरों का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह की बहुत मांगे हैं, सब आएंगी, सब मुद्दा उठेगा, क्योंकि महिलाएं और बेरोजगार अग्नि, हमें नहीं पता, हम तो दिल्ली आ रहे हैं, सरकार कहाँ रोकेगी। मैंने कहा सब मुद्दे उसी में उठ जाएंगे। देखिए तुम, हमें जब भी कोई बात आती है तो आप हमें अमेरिका का उदाहरण देते हो, तो अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हाँ, हम तो हैं, क्योंकि हम देशभक्त हैं, और जो देशभक्त होगा वो आंदोलन में आएगा। क्या जो लोग कहते हैं उनको सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है क्या? किसे? हर जगह तुम्हारे आ रहा है, तुम्हारे घर पे आ रहा है। देखिए जिस दिन मोदी जी 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में भेज देंगे, उस दिन हम भी अपमान लेंगे। जिस दिन तुम्हारे बच्चों को 2 करोड़ हर साल रोजगार मिल जाएंगे, हम भी मान लेंगे। जिस दिन किसान को की आय दुगनी हो जाएगी, हम भी मान लेंगे। क्या इजराइल भेजना भारत सरकार की नौकरी है? तो सोच लो, तुम्हारे बच्चों को मौत के मुंह में भेज रहा है, लेकिन क्या करे, पापी पेट का सवाल है। यहाँ रहेंगे तो भूखे मरेंगे, कम से कम अपनी जान जोखिम में डाल के वो अपने परिवार को तो पाल लेंगे। 13 फरवरी किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करेगा। 16 फरवरी भारत बंद करेगा, और अगला ऐलान उसके बाद करेंगे। सबसे अनुरोध किया, नहीं रास्ते बंद नहीं करेंगे, सबसे अनुरोध किया कि एक दिन काम ना करें, अपने घर रहें। तो भारत बंद, फायदा और नुकसान जो है व्यापारी देखता है। आ जाओ मैदान में, तब बताएंगे। जब आ तो जाए एक बार। तीन काले कानून कौन लाया था? अगर 3 काले कानून नहीं आते तो देश का किसान सड़कों पर नहीं आता, और देश का किसान सड़कों पर नहीं आता तो 750 किसानों की शहादत नहीं होती। हाँ किया, हर किसान ने। नहीं नहीं, हाँ किया, उसके बाद किया, ये किया कि जब नरेंद्र मोदी से पूछा कि 750 किसानों की शहादत होगी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या वो मेरे लिए मरे हैं? नरेंद्र मोदी ने ये किया कि जो किसानों का हत्यारा था लखीमपुर खीरी का,
उसको गृह राज्य मंत्री बना के अपने बराबर में बैठा रखा है। नरेंद्र मोदी ने ये किया कि जब देश की इंटरनेशनल पहलवानों ने बताया कि हमारी बेइज्जती हुई है तो उनकी इज्जत लूटने वाला दुराचार करने वाला सांसद नरेंद्र मोदी के बराबर में बैठा। ये देश की हर जनता जो देश प्रेमी होगा, जो संविधान प्रेमी होगा, जो लोकतंत्र प्रेमी होगा, जो किसानों का हितैषी होगा, वो सब इस आंदोलन में आएंगे। जय जवान और जय किसान का नारा तो प्रचलित है। अग्निवीर वापस का नारा है तो किसान आंदोलन में आना है। अगर वे अग्निवीर से क्या फायदा मुझे बता दो। 4 साल के बाद जब वो घर आएगा तो क्या करेगा, क्योंकि सारे हथियार वो चलाने सीख जाएगा और रोजगार उसके पास होगा नहीं, तो वो या तो शार्प शूटर बनेगा या लूट करेगा या अडानी अंबानी का चौकीदार बनेगा।